ये ना ही सांभर है और ना ही रसम है, लेकिन लग रहा है ना बिल्कुल रसम जैसा, और टेस्ट में भी रसम से कोई कम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंकल्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इडली प्लेटर और रसम चटनी की रेसिपी। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसे बनाना भी एकदम आसान है और इसे बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो इडली प्लेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कप सूजी लेंगे और उसमें आधा कप दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा बैटर बना लेंगे। तो हमें इसमें आधा कप दही और आधा कप पानी चाहिए होगा एक कप सूजी के लिए। बैटर को हमें एकदम पतला नहीं बनाना है, इसे गाढ़ा रखना है। तो देखिए हमारा ये बैटर एकदम रेडी है। तो अब ना इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तो अब हम इसमें ना कटे हुए प्याज, कैप्सिकम, हरी मिर्च और कटे हुए टमाटर डाल देंगे और साथ में ही इसमें 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून राई, पिंच ऑफ हींग और थोड़े से कड़ी पत्ता डाल के इसका तड़का भी तैयार करेंगे। तो राई को थोड़ा सा हम क्रैकल होने देंगे, उसके बाद इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसे ना ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2 मिनट तक इसे सौते कर लेंगे। राई उड़द की दाल को आप पहले ही तेल में डालें, उसके बाद ही सब्जियां डालें। मैं भूल गई थी तो बाद में डाल दी। तो देखिए हमारी सब्जियां सौते हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसका हम बैटर रेडी करेंगे। तो देखिए हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसमें हमने जो तड़का रेडी किया है वो डाल देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप सब्जियों को बिना पकाए कच्चा भी डायरेक्ट बैटर में डाल सकते हो, लेकिन ना इसे फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने तड़के को बैटर में मिला लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हम इसमें 2 टेबलस्पून धनिया डालेंगे और इन सबको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी फूलने से ना हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के बैटर को अच्छा सा पतला कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम बैटर को अच्छा सा गाढ़ा बना लेंगे। और अब इसमें ना हम आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और अब इसे ना बहुत अच्छे से 2 मिनट तक मिलाएंगे, तो इससे ना बैटर एकदम फूल जाएगा। तो देखिए हमारा बैटर एकदम फ्लफी हो चुका है। तो अब हम इसकी ना प्लेट इडली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़ी साइज की प्लेट ली है और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करना ज़रूरी है ताकि आसानी से इडली बाहर आ जाएगी। तो दोनों प्लेट में हम बैटर मिला लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके दोनों प्लेट में हम बैटर मिला लेंगे। एक कप सूजी से ना हम आसानी से 3 प्लेट इडली बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी साइज़ की प्लेट ले रहे हो। अगर इससे थोड़ी सी छोटी प्लेट होगी तो आप 4 इडली बना सकते हो। तो मैंने इडली को बनाने के लिए स्टीमर को गर्म करने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास प्लेट इडली का स्टैंड अवेलेबल है तो आप इसमें बना सकते हो। अगर नहीं है तो इस तरह से आप बड़ी साइज़ की कढ़ाई में भी इसे बना सकते हो। तो इसमें हम दोनों प्लेट को रख देंगे और इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट तक इसे स्टीम होने देंगे। तो देखिए हमारी इडली अब एकदम रेडी है। तो इसे चाकू लगा के इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये अच्छे से स्टीम हो चुकी है, तब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो आइए अब हम रसम चटनी कैसे बनती है वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप सूखा नारियल का पाउडर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो वो ले सकते हो। और इसमें 3 टेबलस्पून जितनी रोस्टेड चना दाल डालेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और ये थोड़े से हींग डालेंगे और ये 1 टेबलस्पून जितने लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम रसम मसाला डालेंगे। अगर आपके पास रसम मसाला नहीं है तो आप इसमें एक सांभर मसाला भी डाल सकते हो। और इन मसालों को पहले हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे और अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारी चटनी रेडी है। तो अब इसे ना हमें बहुत अच्छे से उबालना है। तो इसे हम एक पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 कप पानी डाल रही हूँ। तो चटनी में हम 2 कप पानी डाल देंगे क्योंकि उबलने से ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसे हमें एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये चटनी खाने में एकदम रसम जैसी ही लगती है।
और दाल उबालने की झंझट के बिना इसे बनाया जा सकता है, तो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए हमारी चटनी में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें ना नींबू का रस मिलाएंगे, इससे ना चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम इसमें आधे नींबू का रस ही मिलाएंगे और साथ में थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल देंगे और इसे एक मिनट तक उबाल देंगे। तो देखिए हमारी चटनी में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तड़का पैन में एक टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें हम एक टीस्पून राई डालेंगे और एक टीस्पून उड़द की दाल डालेंगे और इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और इसके बाद इसमें हम पिंच ऑफ हींग डालेंगे और दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे। तो हमारा तड़का तैयार है, तो इसे हम चटनी के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारी एकदम टेस्टी रसम चटनी तैयार है सर्व करने के लिए। तो अब हमारी प्लेट इडली भी ठंडी हो चुकी होगी, तो अब इसे हम प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से चाकू की मदद से हल्के हाथों से इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ठंडी होने से ना एकदम इजीली बाहर निकल जाएगी। तो देखिए हमारी एकदम परफेक्ट प्लेट इडली रेडी है, तो आइए अब इसे हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो इसे बना के जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।